Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, as we complete our chapter that is land resource and agriculture, इस chapter का explanation हमने पढ़ लिया है, revision इसका हम कर चुके हैं and today we will revise this chapter with the help of the questions. किस type के questions exam में बन सकते हैं, 1 marks, 3 marks and 5 marks के जो important questions हैं आज उन्हें हम discuss करेंगे. Okay? So some of the MCQs we already discussed in our yesterday. So today we start with different MCQs. That is, India's population depend on agriculture. जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. दैट इज 53%. एंड अगर हम एरिया की बात करें कि कितना टोटल लैंड है जो कि कवर है क्रॉपिंग के लिए जो यूज किया जा रहा है, दैट इज 7. 57% क्रॉप एरिया पर 53% इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिपेंड है. ओके, HYV सीड्स की फुल फॉर्म बतानी है कि HYV सीड्स स्टैंड फॉर हाई यील्ड वेराइटी. हाई यील्ड वेराइटी मीन्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जिन सीड्स का यूज किया जाता है उन्हें HYV सीड्स कहते हैं. सबसे पहले इंडिया में HYV सीड है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर यूज करे गए थे. मैक्सिको से HYV सीड्स वीट के आए थे एंड फिलीपींस से राइस के HYV सीड्स मंगवाए गए थे. सो दिस टर्म इज स्टैंड फॉर टू इंक्रीज द यील्ड, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप कवर 85% एरिया ऑफ नॉर्थ मिड पार्ट ऑफ इंडिया. सो 85% कौन सी क्रॉप है जो सेंट्रल नॉर्थ इंडिया में ग्रो करी जाती है, दैट इज वीट. और अगर हम स्टेट की बात करें, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ये एरिया है जो कवर होता है जहां पर वीट का प्रोडक्शन किया जाता है. नेक्स्ट, इंडिया प्रोड्यूसेस 10% ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का कितना परसेंट राइस है इंडिया में प्रोड्यूस होता है, दैट इज 22%. ये परसेंट हमें याद करनी पड़ेगी, जस्ट आ सकती है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन फॉर इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर ओवर 40 ईयर्स. पिछले 40 सालों में जो लैंड अंडर फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हुई है और उसके लिए जो सबसे मेन फैक्टर है दैट इज अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन किया गया है मीन्स अवेयरनेस से लोगों को बताया गया है कि क्या डिसएडवांटेज है डिफॉरेस्टेशन के, और हमने बहुत ऑप्टिमम यूज करना स्टार्ट कर दिया है टिम्बर्स का. सो अफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स है वो लगाए गए हैं और बढ़ाया गया है फॉरेस्ट एरिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरिगेटेड लैंड, जहां पर इरिगेटेड एग्रीकल्चर होता है, इरिगेशन से एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां पर सॉइल डिग्रेडेशन के क्या रीजन हो सकते हैं. जहां पर ओवर इरिगेशन होता है वहां पर एक टाइम बाद जो सॉइल है उसमें साल्ट आ जाता है, सलाइनिटी जिसे कहते हैं, एल्कलाइनिटी बोलते हैं उसको. मींस इरिगेशन की वजह से जो नीचे साल्ट था वो सारा साल्ट इकट्ठा होकर के वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी भरा रहता है खेतों में, उसकी वजह से जो साल्ट है उसकी लेयर बन जाती है, दैट इज सलाइनिटी. ओके, नेक्स्ट, पीजेंपी एंड रेड ग्रैम, कौन सी दाल के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं, कौन सी पल्सेस के लिए यूज किए जाते हैं. ग्रैम, अब ग्रैम तो हमें पता है कि एक पल्सेस है, चने की दाल को हम ग्रैम बोलते हैं, बट पीजेंपी एंड रेड ग्रैम किस पल्सेस के लिए यूज किया जाता है, दैट इज अरहर. जब हम पढ़ रहे थे पल्सेस तब हमने पढ़ा भी था ये, दिस इज इम्पोर्टेंट कि इसे पीजेंपी एंड रेड ग्रैम कहा जाता है. नेक्स्ट, मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंक्रीज ड्यू टू, इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग मेथड बहुत ज्यादा अप्लाई करा जा रहा है, बहुत सारे जो फार्मर्स है वो मॉडर्न मेथड्स को यूज करने लग गए हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. इन प्रोडक्शन बढ़ाना है, यील्ड बढ़ानी है, इसलिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करे जा रहे हैं. लेकिन मेथड को यूज करना हमने कब से स्टार्ट करा था इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर. ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इज मिड 1960.
सो स्टूडेंट्स, जब हम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से क्वेश्चंस कवर करते हैं, उन्हें लर्न करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उनमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं। सो 1 मार्क्स से क्वेश्चन जितने हमने एक चैप्टर में करे हैं वो इनफ होते हैं, क्योंकि 3 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। सो नाउ स्टार्ट विद द 3 मार्क्स क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो ऑर्गेनाइजेशन हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसके पास में लैंड रिकॉर्ड होता है, मतलब कितना परसेंट लैंड है, जो लैंड का यूटिलाइजेशन है वो किस पर्पज के लिए किया जा रहा है, दैट इज लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब डॉक्यूमेंट्स में जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिन एरियाज को इंक्लूड करता है, दैट फॉर्म ऑफ परसेंट। तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमें बताता है कि एग्रीकल्चर के लिए कितना परसेंट लैंड हम यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट के अंडर में कितना परसेंट लैंड है। एंड सर्वे ऑफ इंडिया, ये डिफरेंट टाइप के सर्वे से डाटा कलेक्शन होता है, एंड सैटेलाइट एंड इमेजेस के बेसिस पर सर्वे ऑफ इंडिया वो अपने डाटा पब्लिश करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट, सपोज एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको इसमें, कि लैंड अंडर फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट कवर एरिया लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने बोला कि 24% है राइट नाउ इंडिया में, जबकि सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ने एंड फॉरेस्ट कवर एरिया में लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने उन एरियाज को भी इंक्लूड कर लिया जहां पर फॉरेस्ट है या नहीं है। मीन्स इस यहां से लेकर यहां तक अगर फॉरेस्ट है और इतने एरिया में फॉरेस्ट नहीं है तो लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसको भी काउंट करा है। सो इनके जो डाटाज होते हैं वो थोड़े से रॉ फॉर्म में होते हैं, जबकि एक्यूरेसी सर्वे ऑफ इंडिया के डाटाज में होती है। तो इन्होंने कहा कि 21% पार्ट है, 21% 0.4% पर फॉरेस्ट है। इनके जो डाटाज होते हैं वो सैटेलाइट इमेजेस पर बेस्ड होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, इनके जो डाटा कलेक्शन है उनकी प्रोसेस है वो डिफरेंट है। एंड लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट को स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। अब जो इस चैप्टर में हमने लैंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्लासिफिकेशन में डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन इज फॉरेस्ट एरिया, कुछ लैंड है वो अंडर फॉरेस्ट है तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन यही है। नेक्स्ट, लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस, नॉन एग्रीकल्चर में आ जाएगा जहां पर इंडस्ट्रीज है, जहां पर सेटलमेंट है, जहां पर रोड्स हैं। सो ये वो लैंड है जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रही है बल्कि डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए इसको यूज किया जा रहा है। थर्ड वन इज वेस्ट एंड बैरन लैंड, ये एरिया है डेजर्ट एंड हिली एरिया, डेजर्ट एंड हिली एरिया इसे कहा जाता है वेस्ट एंड बैरन लैंड, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके भी यहां पर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रोव्स एंड ऑर्चार्ड्स, ग्रोव्स एंड ऑर्चार्ड जहां पर मिससेलिनस प्लांट है या फिर झाड़ियां हैं या फिर बगीचे हैं, तो ये इंडिविजुअली ऑन्ड होते हैं। फिफ्थ वन इज परमानेंट पास्चर्स, ग्रेजिंग लैंड एंड पास्चर लैंड, चरवाह भूमि होती है, पंचायती जमीन भी होती है। ओके, नेक्स्ट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्ट मतलब यहां की फर्टिलिटी कम है इसलिए यहां पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है, अदरवाइज टेक्नोलॉजी का यूज करके यहां पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, मतलब मैन्यूर और फर्टिलाइजर का यूज करके या HYV सीड या इरिगेशन यूज करके यहां पर कल्टीवेशन किया जा सकता है, लेकिन अभी ये एग्रीकल्चर के लायक नहीं है। सो कल्चरेबल वेस्ट लैंड को 5 ईयर से ज्यादा हो गया यहां पर कोई भी एग्रीकल्चर नहीं किया गया है, इसको खाली छोड़ रखा है, अदरवाइज टेक्नोलॉजी यूज करके यहां पर खेती करी जा सकती है। नेक्स्ट इज करंट फॉलो, करंट फॉलो लैंड में वो जमीन आती है जिसको खाली छोड़ा गया है और इसको या तो 1 ईयर हो गया है, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम इसको टाइम हुआ है, इसको खाली छोड़ रखा है, यहां पर खेती नहीं करी जाती है, इसे करंट फॉलो कहा जाता है। नेक्स्ट इज अदर देन फॉलो लैंड में 1 to 5 ईयर्स के बीच में अगर ड्यूरेशन हो गया और खाली छोड़ रखा है जमीन को, वो किसके इंक्लूड आती है, अदर देन फॉलो। बेटा इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको समझना। कल्टिवेबल
कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब 5 साल से ज्यादा हो गए इसको खाली छोड़ रखा है। करंट फॉलो में, करंट फॉलो मतलब अभी जो खाली छोड़ी है, तो 1 साल या 1 साल से कम हुआ है करंट फॉलो। एंड अदर देन फॉलो अब इन दोनों के बीच का है, 1 साल से 5 साल के बीच में जो ड्यूरेशन से जो खाली है जमीन वो किसमें आती है, अदर देन फॉलो लैंड। तो एग्रीकल्चर अगर हमें इंक्रीज करना है तो इन तीनों का यूज हम कर सकते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इंडिया की 57% पॉपुलेशन है वो 53 एरिया पर डिपेंड है, क्रॉपिंग वहां पर करी जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है। तो अगर हमें एरिया बढ़ाना है तो हम इन तीनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज नेट सॉन एरिया। नेट सॉन एरिया में मतलब जहां पर अभी एग्रीकल्चर किया जा रहा है। सो दीज आर द 9 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स मीन्स, सो कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के ना होकर के पूरी कम्युनिटी के होते हैं। सपोज अब बुक में कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जांपल दे रखा है, जो आपके पास्चर लैंड्स होती हैं, जो पंचायती जमीन है वो उस पर किसी एक इंडिविजुअल का राइट नहीं है, बल्कि जो पूरे जो गांव है उनका राइट है उस लैंड पर, वो उसको यूज कर सकते हैं। अर्बन एरिया में कोई पार्क है वो कम्युनिटी रिसोर्स है, या कोई भी टेम्पल है वो कम्युनिटी रिसोर्स है। तो यहां पर पास्चर लैंड का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब किसी इंडिविजुअल का ना होकर के पूरी कम्युनिटी का राइट हो जिस रिसोर्स पर, दैट इज द कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट, सेव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सेव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, क्यों जरूरत है सेव टेक्नोलॉजी की? मींस हमारे पास में जो लैंड है वो लिमिटेड रहेगा, अब हमें अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स की यूज करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सेव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए या तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यानी कि HYV सीड्स यूज हो रहे हैं, इरिगेशन के सोर्स यूज हो रहे हैं, या डिफरेंट मशीन्स यूज हो रही है एग्रीकल्चर में। किस लिए हो रही है? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लैंड हमारे पास में लिमिटेड है। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बढ़ाना क्या पड़ेगा? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए न्यू टेक्निक्स यूज की जाएगी, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। एंड सेव टेक्नोलॉजी में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके खेत से, तो क्रॉपिंग जो सीजन है, क्रॉपिंग सीजन वो हमें लेने पड़ेंगे। मतलब 3 क्रॉपिंग सीजन है, हम एक एग्रीकल्चरल ईयर में 3 बार खेती कर सकते हैं, तो यहां पर वो ऑप्टिमम यूज करना पड़ेगा। वो सबसे मतलब यहां पे हमें लैंड का ज्यादा से ज्यादा वहां पर कल्टीवेशन करना पड़ेगा। सो इसे कहा जाता है सेव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज नेट सॉन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या डिफरेंस है नेट सॉन एरिया में एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में? नेट सॉन एरिया मतलब टोटल एरिया दैट इज कल्टीवेटेड, जहां पर खेती अभी करी जा रही है वो सारा एरिया को मिलाकर के वो नेट सॉन एरिया है। एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। सपोज करिए आपके पास में 500 नेट सॉन एरिया है, 500 फार्म्स हैं, खेत है आपके पास, फील्ड है 500, तो ये 500 फील्ड यहां पर आप खेती कर रहे हैं, किसमें आएंगे? नेट सॉन एरिया में। लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एक एग्रीकल्चरल ईयर में कितनी बार वहां पर खेती करी गई है, कितनी बार वहां पर प्रोडक्शन किया गया है क्रॉप्स का, 100 फार्म्स था वो नेट सॉन एरिया था। अब 500 में से 200 फार्म ऐसे हैं जिनपे 2 बार खेती करी गई, तो 200 हमने फिर ऐड कर लिए क्योंकि इनको डबल 2 बार काउंट हमने करा है, और 100 खेत ऐसे हैं जिसपे तीसरी बार भी खेती करी गई है, तो द आंसर इज द 800। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है वो नेट सॉन एरिया से ज्यादा होता है, क्योंकि एक खेत को जितनी बार बोया जाता है उतनी बार ही उसको एड किया जाता है, किसमें? ग्रॉस क्रॉप एरिया में। सिंपल। नेक्स्ट, क्रॉप डेंसिटी। हाउ वी गेट द क्रॉप डेंसिटी? यहां पर क्रॉप डेंसिटी का मतलब है कि कृषि गहनता कितनी है, लैंड की फर्टिलिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही वहां पर क्रॉप डेंसिटी होगी। हाउ वी गेट द क्रॉप डेंसिटी? वी अप्लाई अ फॉर्मूला फॉर दिस, दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय द नेट सॉन एरिया and into 100. This is called the crop density. So crop density को हम
आपको एग्जांपल देके पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास में नेट सोन इतना है और ग्रॉस सोन एरिया इतना है तो हाउ वी गेट द क्रॉप डेंसिटी कितनी होगी, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू गेट द क्रॉप डेंसिटी एंड योर आंसर विल बी करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फॉर्मूला एंड देन सॉल्व इट. ओके, नेक्स्ट, क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, तो इंडिया में क्रॉपिंग सीजन कितने हैं? देर आर थ्री क्रॉपिंग सीजन, अब तो आपको लर्न भी हो गए होंगे, दैट इज रबी क्रॉपिंग सीजन, खरीफ क्रॉपिंग सीजन एंड द लास्ट वन इज जायर. वो फसलें जो हम बारिश आने पर उगाई जाती हैं, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है या कॉटन है, ऑनसेट ऑफ मानसून, तब मानसून आएगा तब उनका कल्टीवेशन किया जाएगा. सो जुलाई टू सेप्टेम्बर इनका टाइम पीरियड होता है एंड ये जो मंथ है 15 डेज और वन मंथ का जो गैप है वो डिफरेंट एरिया पर डिपेंड करता है, बट अगर आप खरीफ सीजन में ये भी लिख देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून इनको ग्रो किया जाता है, इट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज रबी, रबी क्रॉप्स अक्टूबर एंड नवंबर में सोविंग एंड मार्च टू अप्रैल हार्वेस्टिंग, इनका टाइम पीरियड है, मतलब ये सर्दियों में जो फसलें होती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं. मस्टर्ड है, ग्राम है, वीट है, दीज आर द रबी क्रॉप्स. समर सीजन में जो टू मंथ्स का गैप मिलता है रबी एंड खरीफ के बीच का, दैट इज ऑफ अप्रैल टू जुलाई, उसमें जायद क्रॉप उगाई जाती है, जायद सीजन उसे बोला जाता है, जिसमें नॉर्मली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कुकुम्बर, वाटरमेलन, टोमेटो, पीज, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाया जाता है जिसे जायद क्रॉप कहा जाता है. सो वी हैव थ्री क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया. नेक्स्ट इज साउदर्न इंडिया हैव सेम क्रॉपिंग सीजन. साउदर्न इंडिया में रबी एंड खरीफ एंड जायर जो क्रॉपिंग सीजन है वो सेम क्रॉप्स वहां पर उगाए जाते हैं. साउदर्न इंडिया में सेम क्रॉपिंग सीजन क्यों रहते हैं, मैंने यू रिमेम्बर आपको बताया भी क्या था, क्योंकि साउदर्न इंडिया इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल पास है साउदर्न इंडिया, तो वहां पर मोस्टली समर की तरह वेदर रहता है, इसलिए क्योंकि रबी क्रॉप के लिए विंटर सीजन की जरूरत होती है, यहां पर इतना एक्सट्रीम विंटर नहीं होता है, यहां पर टेम्परेचर नॉर्मली ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा, इस तरह का टेम्परेचर हो जाता है विंटर में भी. सो ड्यू टू ये इक्वेटर के पास में है तो यहां पर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है विंटर सीजन एंड समर सीजन का, तो क्रॉपिंग पैटर्न है वो एक तरह से चलता है ड्यू टू क्लाइमेट एंड टेम्परेचर. तो आपने यही लिखना है इसमें, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर की वजह से यहां पर क्रॉपिंग सीजन एक जैसे ही होते हैं, एक जैसी फसलें उगाई जाती है क्योंकि इक्वेटर के पास है और यहां पर एक्सट्रीम विंटर नहीं होते हैं. जबकि अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्दर्न इंडिया से तो वहां पर एक्सट्रीम विंटर होता है जो कि रबी की क्रॉप के लिए बहुत अच्छा है. सो देन यहां पर जो क्रॉपिंग सीजन है चाहे वो रबी का है खरीफ का है, तो सेम क्रॉप से उनका प्रोडक्शन किया जाता है. नेक्स्ट इज इरिगेटेड एग्रीकल्चर एंड रेन फेड बैरानी कहा जाता है जिसे. इरिगेटेड एग्रीकल्चर एंड रेन फेड एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है? इरिगेटेड एग्रीकल्चर मीन्स वो एग्रीकल्चर जिसमें इरिगेशन से क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, दैट इज इरिगेटेड एग्रीकल्चर. एंड रेन फेड वो एग्रीकल्चर टाइप जो कि पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंड है. अब इसमें भी दो तरह के इरिगेटेड एरियाज होते हैं, फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव इरिगेशन, सेकेंड वन इज प्रोडक्टिव. प्रोटेक्टिव में हम इतना ही इरिगेशन करेंगे जिससे कि वो प्लांट, जिससे कि वो क्रॉप सर्वाइव करे, हम उस क्रॉप को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, उस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इरिगेशन कर रहे हैं, इसलिए उसको प्रोटेक्टिव कहा जाएगा. एंड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब हम बहुत ज्यादा इरिगेशन करते हैं उसे प्रोडक्शन इरिगेशन कहा जाता है. ऐसे ही रेनफेड एग्रीकल्चर के भी टू टाइप है. रेनफेड एग्रीकल्चर में एक होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर. ड्राई लैंड में वो एरियाज जहां पर एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होते हैं, ये डिपेंड है पूरी तरह से मानसून पर, और यहां पर ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो कि जिन्हें हार्ड क्रॉप्स कहा जाता है, ज्वार, बाजरा, ये की जरूरत है इनको प्रोडक्शन के लिए. एंड वेट रेनफॉल एरिया में वो एरियाज आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और वहां पर फ्लड आने के चांसेस भी होते हैं. इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो इरिगेशन पर डिपेंड है, इरिगेशन भी दो तरीके के, प्रोडक्टिव एंड सेकेंड वन इज प्रोटेक्टिव, एक प्रोटेक्ट करने के लिए, एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. ऐसे ही रेनफेड एग्रीकल्चर में ड्राई रेनफेड है जहां पर कम बारिश हो रही है एंड वेट रेनफेड जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दैम.
नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन में फूड क्रॉप्स के बारे में पूछा जा सकता है, उनका क्लासिफिकेशन. सो फूड क्रॉप्स को ग्रेन्स एंड पल्सेस दो पार्ट है, एंड ग्रेन्स में भी फाइन ग्रेन्स एंड कॉरस ग्रेन. तो डिवीजन किसी का भी पूछा जा सकता है. फूड क्रॉप में आप डिवीजन, अगर सिंपल फूड क्रॉप्स का आता है, यू हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज ग्रेन एंड पल्सेस. बट द क्लासिफिकेशन इज ऑफ ग्रेन्स, यू हैव टू राइट द फाइन ग्रेन्स एंड कॉरस ग्रेन. एक बार देख लेते हैं. फाइन ग्रेन्स में राइस एंड वीट आते हैं, जबकि कॉरस ग्रेन में ज्वार, बाजरा, मेज, ये ग्रेन्स आते हैं. एंड पल्सेस में डिफरेंट टाइप के पल्सेस, अरहर, मूंग, ग्राम, लोबिया. तो हमारी जो बुक में ग्राम एंड अरहर की जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप्स. नेक्स्ट ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स का 14% जितना टोटल एरिया एग्रीकल्चर का इंडिया में, उसके 14% एरिया पर ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है. और सबसे ज्यादा जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है, दैट इज ग्राउंडनट. ग्राउंडनट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है. तो ऑयल सीड में भी ग्राउंडनट, तोरिया, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, दीज आर सम ऑयल सीड्स. एंड ये डेक्कन रीजन, इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है डेक्कन रीजन, वहां पे इनका प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट फाइबर क्रॉप. फाइबर क्रॉप मीन्स कॉटन एंड जूट आर द फाइबर क्रॉप, जिनसे फाइबर हमें मिलता है. जूट में जो कॉरस थ्रेड बनता है, मोटा धागा बनता है, जिसे यूज किया जाता है मैट, कारपेट और बैग बनाने के लिए. एंड वर्ल्ड का 60% जूट का प्रोडक्शन इंडिया में होता है. सो बांग्लादेश के साथ में जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो बांग्लादेश में चली गई थी जूट ग्रोइंग बेल्ट. तो वेस्ट बंगाल मेन प्रोड्यूसर है जूट का. एंड ऐसे ही कॉटन. कॉटन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है. एंड टू टाइप के स्टेपल है, वन मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से कई बार बनता है, कि जो फाइबर है, रेशे हैं, वो दो तरह के हैं, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग. तो शॉर्ट स्टेपल है वो तो इंडियन है, वो कौन सी वेराइटी जो किस्म है, वो इंडिया की है. एंड लॉन्ग स्टेपल वाली जो वेराइटी है वो अमेरिका की है, जिसे नरमा भी कहा जाता है. ये एमसीक्यू में पूछने के चांसेस होते हैं. सो कॉटन टेक्सटाइल्स में कॉटन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स आ जाने की वजह से, और वो सस्ते भी है कॉटन से, इसलिए कॉटन का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया है. सिंथेटिक फाइबर आ जाने की वजह से जो कॉटन है उसका इंपॉर्टेंस अब रिड्यूस हो रहा है. लेकिन जूट का प्रोडक्शन को मोटिवेट कर रही है गवर्नमेंट की पॉली बैग्स पर बैन लगा करके, और कंपलसरी कर रही है जूट. तो नेशनल जूट पॉलिसी थी 2005 में, उसमें भी ये कहा गया था कि जूट के प्रोडक्शन को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करनी होंगी, जैसे कि पॉली बैग्स हैं उन पर बैन लगा करके जूट बैग्स को कंपलसरी अगर कर दिया जाए, तो जो फार्मर्स जूट ग्रो कर रहे हैं उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा. इस बेवरेजेस क्रॉप. बेवरेजेस क्रॉप पेय पदार्थ जिन्हें कहा जाता है, जैसे टी एंड कॉफी, टू बेवरेजेस क्रॉप है जिनका प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में. सो इनमें दो सब्सटेंस होते हैं, टैनिन एंड कैफीन. पूछा जा सकता है, ये तो एमसीक्यू में ही आएगा, और अदरवाइज अगर टी के डिस्क्रिप्शन में आए तो भी आप लिखेंगे टैनिन एंड कैफीन होती है इनमें. इनका 28% प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है टी का. नेक्स्ट इज कॉफी. कॉफी बेवरेजेस क्रॉप को, इसके सीड्स है उनको रोस्ट करके फिर उनको ग्राइंड करके यूज किया जाता है इसे. एंड इसकी 3 मेन वेराइटीज हैं, दैट इज अरेबिका, रोबास्ता एंड लिब्रिका. एंड वर्ल्ड की 4.3% कॉफी का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है, जो कि नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में होता है. नेक्स्ट शुगर केन. शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, बट इसको सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल आपको बताया गया था इक्वेटर के पास वाले रीजन ट्रॉपिकल, एंड उसके बाद में सब ट्रॉपिकल. तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल है, एंड साउदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल है. तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन्स में इसको ग्रो किया जाता है, यूपी में इरिगेशन की हेल्प से, एंड उसके बाद में ट्रॉपिकल में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में, क्योंकि यहां पर जो शुगर केन होता है ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से यहां पर जो शुगर केन है उसमें सुक्रोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. इसलिए जो शुगर मिल्स हैं वो अब नॉर्दर्न इंडिया से शिफ्ट हो रही हैं साउदर्न इंडिया की तरफ. एंड ब्राजील का फर्स्ट रैंक है शुगर केन प्रोडक्शन में, जबकि इंडिया का सेकेंड रैंक है, और वर्ल्ड का 23% शुगर केन का प्रोडक्शन इंडिया से होता है. नाउ वी लुक एट द 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्स टू द पीपल हु आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. जो जिनके लिवलीहुड का सोर्स एग्रीकल्चर है, मतलब कृषि पर जो निर्भर है लोग, उनके लिए लैंड रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो
इसके 3 पॉइंट हमारे एनसीईआरटी बुक में है, तो इन्हीं को हम डिटेल में लिखेंगे। सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है ये, और 3 मार्क्स का। जब 3 मार्क्स का है तो वी हैव टू राइट ओनली द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो लैंड रिसोर्स होता क्या है एंड उसका क्लासिफिकेशन किसने, कौन डाटा देता है उसके लिए, एंड उसके बाद में इन 3 पॉइंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। सो लैंड रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी जितने रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्स, उसमें लैंड रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसमें आप लिख देंगे कि एग्रीकल्चर करने के लिए या कोई भी बिल्डिंग सेटअप करने के लिए या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड स्पेशली जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है उनके लिए तो उनका सोर्स ऑफ लिवलीहुड लैंड ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे वो कहाँ होगा, लैंड पर। सो पहला पॉइंट एग्रीकल्चर लैंड बेस्ड, कि एग्रीकल्चर है वो लैंड बेस्ड एक्टिविटी है, मतलब अगर आप कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो आप रॉ मटेरियल पर बेस्ड रहेंगे, आपको रॉ मटेरियल मिलेगा तो प्रोडक्शन होगा। लेकिन यहां पर एग्रीकल्चर के लिए सब कुछ, रॉ मटेरियल भी, सारे जो इनपुट है वो क्या है, लैंड। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का इंपॉर्टेंस है, रॉ मटेरियल के बिना कोई भी काम नहीं होगा, ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स लैंड ही है। सो फर्स्ट तो लैंड का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये लैंड बेस्ड एक्टिविटी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ लैंड। अब क्वालिटी ऑफ लैंड में मतलब टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में जो क्वालिटी है लैंड, चाहे बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, सॉइल की फर्टिलिटी नहीं है, तो वहां पर भी आप सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज कर सकते हैं, वहां पर आप घर बनाए जा सकते हैं, वहां पर सड़कें बनाई जा सकती है। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है लैंड की, मींस फर्टिलिटी नहीं है, तो वहां पर एग्रीकल्चर की प्रोसेस नहीं हो सकती। इसलिए जो क्वालिटी है लैंड की वो अच्छी होनी चाहिए, तभी एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो हो पाएगी। एंड नेक्स्ट सिक्योरिटी भी होती है, जो लोग एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं उनके लिए लैंड है वो सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी वो रखते हैं लैंड को, मतलब अगर एक इन्वेस्टमेंट है लैंड उनके लिए, अगर फ्लड आ जाए या ड्रॉट हो जाए तो लैंड उनकी वहीं पर बनी रहेगी। हाँ, क्रॉप फेलियर हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लैंड उनके पास में रहेगी इस कंडीशन में, तो ये एज अ सिक्योरिटी उनके पास में वो रिसोर्स है। एंड स्टेटस, सोशल स्टेटस, एंड सोशल स्टेटस को शो, एक फार्मर है उसका सोशल स्टेटस उसकी जमीन से होता है, मतलब कितने खेत है उसके पास में। सो ये एक सोसाइटी में वैल्यू भी इंक्रीज करती है फार्मर्स की। सो वी कैन से दैट लैंड रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लैंड को हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड करा है। नेट्स ऑन एरिया है, पास्टर्स, परमानेंट पास्टर्स है, ग्रोव्स एंड ऑर्चार्ड्स है, एंड बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड है, देन करंट फॉलो, कल्टिवेबल, वेस्ट लैंड, अदर देन करंट फॉलो। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, परमानेंट पास्टर्स, ग्रोव्स एंड ऑर्चार्ड्स, नेट्स ऑन एरिया, बैरन एंड वेस्टलैंड, फॉरेस्ट कवर, अदर देन फॉलो इज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, मींस जो सेटलमेंट के लिए या बिल्डिंग्स या रोड्स बनाने के लिए जो लैंड यूज की जाती है। तो दीज आर द 9 पार्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज में, हमने इन्हीं को एक्सप्लेन करके लिखना है, वी गॉट द 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें कि 1960s में जो गवर्नमेंट है उसने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए न्यू एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करे गए थे, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सिस्टम, मॉडर्न मशीन्स का यूज किया गया था। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन में मेक्सिको से वीट की वैरायटी सीड्स की एंड फिलीपींस से राइस के सीड्स की वैरायटी है उनको एक्सपोर्ट किया गया था, वहां से मंगवाया गया था, और उससे प्रोडक्शन वीट, राइस एंड पल्सेस का बहुत ज्यादा हुआ था, बंपर प्रोडक्शन हुआ था। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सबसे पहले पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में किया गया था। सो
ग्रीन रेवोल्यूशन की जो डीमेरिट है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे कि सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी इससे रिड्यूस हो गई एंड सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, ज्यादा ओवर इरिगेशन से सैलिनिटी आ गई, वाटर था वो कंटेमिनेट हो गया पेस्टिसाइड्स यूज करने से, एंड जो ओवर इरिगेशन करने से जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल है वो रिड्यूस हो गया, तो इसके डिमेरिट भी थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। और एक डिमेरिट ये भी था कि लिमिटेड एरिया में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, बाकी इंडिया के किसी स्टेट में, पंजाब हरियाणा यूपी के अलावा किसी भी स्टेट में इसको नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी है वो लो है, लो लेबर आउटपुट लो है क्योंकि जितना वर्क है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, दैट इज वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हमने टू टाइप्स की पढ़ी थी, एक थी सीजनल एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलर सीजन पर तब एम्प्लॉयमेंट होती है, और एक थी डिस्गाइज्ड कि जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, दैट इज द वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स है उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटे हैं खेतों का साइज, 1 हेक्टेयर से कम है 60% जो खेत है इंडिया में उनका, एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड लैंड्स फार्म्स फैले हुए हैं इधर उधर खेत, जिससे कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स उनमें यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज लो कॉमर्शलाइजेशन। फार्मिंग है वो कॉमर्शियल पर्पज से नहीं की जाती क्योंकि खेतों का साइज छोटा है, इसलिए सेल्फ प्रोडक्शन के लिए फार्मिंग की जाती है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड डिपेंड ऑन मानसून। मानसून पर, रेन पर डिपेंड है बहुत सारे फार्मर, 67% फार्मर है वो रेनफॉल पर डिपेंड है, जिसकी वजह से रेनफॉल है वो इरेगुलर है, अनसर्टेन है, इरेटिक है, जिसकी वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो दीज आर द प्रॉब्लम दैट आर फेस्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। सो दीज आर द 5 मार्क्स क्वेश्चन। हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चन सीरीज ऑफ अवर चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड देम। सो स्टूडेंट्स रिवाइज दीज क्वेश्चन, रीड द चैप्टर एंड रिवाइज दीज क्वेश्चन। गुड लक फॉर योर स्टडीज। थैंक यू।